नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आप सबको तो पता ही होगा कि शिल्पा शेट्टी की जो पतिदेव है वो समाज सेवा करने के इल्जाम में। अब यहाँ समाज सेवा क्या है वो तो आप समझ ही गए होंगे, आप इतने समझदार तो हैं ही। तो समाज सेवा और धर्म कर्म का काम करने के लिए जेल में गए हैं, इसलिए शिल्पा शेट्टी को ये पसंद नहीं आ रहा कि इतना धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान, इतना सामाजिक सेवा करने वाला इंसान जेल कैसे चला गया। भले इंसान है राज कुंद्रा जी, तो शिल्पा शेट्टी जो है उनके गुर्दे भयंकर रूप से छिले हुए हैं, तो विनाशकाल विपरीत बुद्धि वाले में वो चल रही हैं। और अपने पतिदेव जिन्होंने इतने धर्म कर्म के काम कर रखे, शिल्पा शेट्टी को तो यही लग रहा है ना कि उनके पतिदेव एकदम धर्म कर्म का काम कर रहे थे, इसलिए उनके सामाजिक परोपकारी पति के खिलाफ कई मीडिया हाउसेस ने अनर्गल बातें करी, कुछ यूट्यूब चैनल्स ने भी बातें करी। तो शिल्पा शेट्टी को पसंद नहीं आ रहा कि भाई सामाजिक परोपकारी इंसान जो समाज सेवा करते थे, धर्म कर्म का काम करते थे, लोगों के मनोरंजन का ध्यान रखते थे, ऐसे इंसान के, ऐसे सभ्य इंसान के अगेंस्ट कोई इंसान कैसे बात कर सकता है। तो शिल्पा शेट्टी ने उन तमाम लोगों का मुंह बंद करने के लिए 25 करोड़ का मानने का दावा कर दिया। कुछ भी क्या आप यकीन करेंगे, 25 करोड़ का मानहानि का दावा किया है मीडिया हाउसेस के ऊपर, यूट्यूबर्स के ऊपर, फेसबुक पे जो पोस्ट वगैरह डाली गई हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली गई हैं। मतलब शिल्पा शेट्टी के लिए ये सारी बातें मानहानिकारक हैं और वो मिलोर्ड के पास पहुंच गए कि मिलोर्ड हमारी बेइज्जती हो गई है, हाँ आपके पति ने जो करा उससे तो आपकी इज्जत में बड़े 4 चांद लग गए हैं। शिल्पा शेट्टी को पता नहीं कौन लोग एडवाइस दे रहे हैं, आई थिंक ये जो सेलिब्रिटीज के मीडिया मैनेजर्स होते हैं ये लोग एक्चुअली सेलिब्रिटीज की मंदबुद्धि का फायदा उठा लेते हैं। जैसे किसी मीडिया मैनेजर या मीडिया एडवाइजर ने सलमान खान को बोल दिया कि भाई क्या के ऊपर मानहानि का केस कर दो, उन्होंने कर दिया। यहाँ शिल्पा शेट्टी के परोपकारी पति जो जेल में वो पता नहीं वहां सत्संग दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, इतना महान काम करने वाला मतलब जेल में क्यों चला गया भाई, ये तो गलत है ना भाई, बच्चे पर असर पड़ेगा, लोग गलत, मतलब शिल्पा शेट्टी सही है बाकी दुनिया गलत है जो कि शिल्पा शेट्टी के परोपकारी पतिदेव को कहीं ना कहीं झूठे आरोप में फंसा रही है। पुलिस हो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो, ये सब कहां, इनको कहां कुछ आता भाई, ये तो हवा में लट्ठे चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज शिल्पा शेट्टी को मिलोर्ड ने बता दिया है कि भैया पुलिस सोर्सेस के हवाले से जो खबरें चलाई जा रही हैं वो मानहानिकारक नहीं होती हैं। इस तरह का जो कवरेज होता है या फिर जो सोर्सेस के हवाले से जो पत्रकारिता की जाती है, जिस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में आती हैं, उन्हें कहीं किसी तरह से मानहानिजनक नहीं माना जा सकता, ये बात शिल्पा शेट्टी को अब समझ में आई होगी। वैसे भी आपको पता ही, अभी कुछ दिन पहले जूही चावला ने भी 5G के अगेंस्ट अपील कर दी थी, फिर उसका लाइव टेलीकास्ट करके अपना पोपट करवा लिया था। देखिए शिल्पा शेट्टी के अगेंस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो यहाँ पर एक पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करना चाहती हैं कि पब्लिक का जो ध्यान है वो उनके पतिदेव के कर्मकांड के बजाय एक अलग ही डायरेक्शन में चला जाए, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करने की एक निंजा टेक्निक, एक विक्टिम कार्ड खेला है शिल्पा शेट्टी ने, जो कि कहीं ना कहीं बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। क्योंकि ऑन अ लार्जर पिक्चर ये जो मैसेज हमारे सामने निकल के आ रहा है वो ये साबित करता है कि शिल्पा शेट्टी को फर्क नहीं पड़ता कि उनके पति ने क्या करा, कितनी लड़कियों का मतलब जरूरत का या उनकी परिस्थितियों का फायदा उठाया, कितनी ही लड़कियों से अश्लील काम करवाए, और कहीं ना कहीं शिल्पा शेट्टी को वो सब चलता है, लेकिन कोई कुछ बोले नहीं। ये तो वही बात हो गई कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और यहाँ आह भी कर दी जाती है तो हंगामा मच जाता है। मतलब आजकल एक ऐसा माहौल चल रहा है कि कोई किसी का कत्ल भी कर दे या रेप भी कर ले या कुछ भी कर ले तो उसको कहीं ना कहीं विक्टिमाइज दिखाया जाएगा, लेकिन उस चीज के खिलाफ अगर आपने एज इट इज अपना नजरिया रख दिया है तो आपके ऊपर मानहानि का केस हो जाएगा। मतलब एक तरफ बात कही जाती है बोल कि लब आजाद है तेरे, वहीं एक तरफ शिल्पा शेट्टी जैसे लोग हैं या फिर बॉलीवुड के और भी लोग हैं जो कि लोगों की अभिव्यक्ति, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर ताला लगाना चाहते हैं। ये सेलिब्रिटीज भी बड़े मतलबी होते हैं, जब तक बातें इनके फेवर में होती है, जैसे कि इनकी बच्चे ने बर्थडे मनाया या शिल्पा एयरपोर्ट गई, शिल्पा जिम पे गई, शिल्पा ने फलाना चीज खाई, शिल्पा ने ये कार खरीदी, शिल्पा के घर में ये पूजा थी, शिल्पा के बच्चे का बर्थडे था, तब तो ये लोग कभी नहीं बोलते कि भाई आप हमारे इतनी तारीफें क्यों कर रहे हो, तब तो खुद इनका पीआर बोलता कि मैडम आप डेनिम पहन के जाना, ब्लू पहन के जाना, व्हाइट पहन के जाना, हम पीआर को फोन कर देते हैं, और तमाम फिर मीडिया हाउसेस पहुंच जाते हैं वहां पर, वाह 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 शिल्पा एंड राज स्पॉटेड एट एयरपोर्ट जिम लॉन्च में ये पार्टी करते हुए, तब चलता है। तब नहीं बोलते कि भाई हमारे बच्चे भी ये सब देखते हैं, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, तैमूर ने दही खाया, तैमूर ने पॉटी की, तैमूर ने मुंह में उंगली डाली, तैमूर ने अंगूठा चूसा, जब ये खबरें आती तब तो बड़ा अच्छा लगता है। तब नहीं बोलते ये सेलिब्रिटीज की भाई बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। अब शिल्पा शेट्टी दलील दे रही है कि जिस तरह से मीडिया में कवरेज किया जा रहा है राज कुंद्रा के अगेंस्ट, शिल्पा शेट्टी का नाम लेकर के, उससे बच्चे पर असर पड़ेगा। मुझे बड़ी उत्सुकता है ये जानने की कि शिल्पा शेट्टी का बच्चा क्या इतने दिनों से पूछ नहीं रहा कि पापा कहाँ गए, कौन सी कंट्री में गए हैं, सत्संग करने गए, शूटिंग करने गए हैं, बिजनेस
फिटनेस टूर पे गए हैं, कहाँ गए हैं? आप क्या उसको मतलब झुंझुना पकड़ा देती होगी? तो आप जैसे झुंझुना बच्चे को पकड़ा रही शिल्पा शेट्टी, वैसे ही झुंझुना वो पब्लिक को भी पकड़वाना चाहती है। ये सब करके कहीं ना कहीं शिल्पा शेट्टी साबित कर रही है कि शायद उनके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं है सिचुएशन से डील करने की। ये बिल्कुल वैसा ही सीन है चल रहा है जैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। और नेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया में, मेनस्ट्रीम मीडिया, हर जगह वो कहीं ना कहीं खुद को बहुत ही एक मतिमंद इंसान के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं, जो सारी चीजें अपने हिसाब से चाहता है। जब वो चाहे तो मीडिया उनकी तारीफ करे, और जब वो ना चाहे तब मीडिया मुंह में दही जमा कर बैठ जाए। देवी जी ऐसा तो नहीं चल सकता ना। आप सेलिब्रिटी हो, आप पब्लिक लाइफ में हो, और आपके पतिदेव ने आपकी इज्जत में चार चांद लगाने वाला कोई काम नहीं किया। ये जो आप दलील दे रही हो कोर्ट के अंदर कि आपकी ब्रांड वैल्यू, आपके एंडोर्समेंट, आपका जो शूटिंग जो शो वगैरह कर रही थी उसकी इमेज खराब हो रही, तो आपके पतिदेव को बोलो ना जिन्होंने आपकी इमेज में बट्टा लगा दिया। कांड करे आपके पतिदेव, आप ठीकरा फोड़ो पब्लिक के ऊपर या मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये देवी जी ये तो बहुत गलत बात है। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समझदारी का परिचय देना चाहिए। आप भी जूही चावला की तरह उठ के पहुंच गई हाईकोर्ट में, भाई हमारे यहां तो समझ नहीं आता, करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो कि अदालतों के चक्कर काटते हैं, उनकी सुनवाई तो इतनी जल्दी होती नहीं, लेकिन सेलिब्रिटीज के केसेस हाथों हाथ ले लिए जाते हैं, वहां मिलोर्ड भी तुरंत इन लोगों को परमिशन दे देते हैं, जबकि एक आम आदमी उसे क्या मिलता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो बस एक तारीख। लेकिन इन सेलिब्रिटीज को एक दो दिन में ही इनका केस खुल जाता है, ऑर्डर वगैरह, इंटरिम ऑर्डर वगैरह सब पास हो जाते हैं। ठीक है जी, तो मैं ही करता हूँ ये वीडियो खत्म। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, क्या आपको नहीं लग रहा कि शिल्पा शेट्टी जो हरकतें कर रही हैं इससे उनकी इमेज सुधर नहीं रही है, बल्कि और ज्यादा गड्ढा खोदती जा रही है वो, और अपने हाथों ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की हर संभव कोशिश कर रही है वो। आई थिंक इस समय जरूरत है थोड़ा सा समझदारी से काम लेने की। मीडिया का काम है खबरें टटोलना, निकालना, उन्हें उनका काम करने दीजिए, और जो भी सच है वो तो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाएगा। बार बार कोर्ट से आपके पतिदेव की जो जमानत की याचिका है वो खारिज हो रही है, पुलिस रोज नए खुलासे कर रही है, तो आग लगी है तभी धुआं उठा है। इस पर आप आग के बजाय लोग जो आग देख रहे, धुआं देख रहे, उनके ऊपर आप मानहानि का केस कर रही है देवी जी, ये तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत बात है। ठीक है जी, तो आप कमेंट करें आपके भी ओपिनियन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बातें सही लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर भी करना सभी मित्रों के साथ। आपने समय निकाला, ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।